माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदा जनता के हित के निर्णय लेते हैं। अगर आप देखें आपदा के समय किसी देश में 80 करोड़ लोगों को 2 साल से ज़्यादा समय में मुफ्त में अनाज देने का काम हुआ तो भारत में, मुफ्त में वैक्सीन 190 करोड़ लगी तो भारत में लगी। इसी तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम दुनिया भर में, जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़े उसके बाद प्रभाव भारत में भी पड़ना ही था, लेकिन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इन दामों में एक्साइज में कटौती की गई है। और हमें आशा है कि राज्य भी अपने अपने स्तर पर सब जगह टैक्स में कटौती करेंगे ताकि आम नागरिक पर प्रभाव न पड़े। इससे पूर्व भी मोदी सरकार ने टैक्स में कटौती की थी, लेकिन कुछ राज्यों ने, जो विपक्ष शासित राज्य, उन्होंने वहाँ पर कमी नहीं लाए थे, अपने राज्यों में टैक्स की कटौती नहीं की थी। मुझे आशा है इस बार वो भी करेंगे ताकि आम नागरिक को इसका लाभ मिल पाए। दूसरी ओर दुनिया भर में जो खाद है उसके रॉ मटेरियल के और खाद के दाम बहुत बढ़ गए। भारत ने भी 1,10,000 करोड़ रुपया पहले से ज़्यादा, यानी कि 1,00,000 करोड़ के लगभग हम खाद पर सब्सिडी देते थे, इस साल 2,10,000 करोड़ रुपया खाद पर सब्सिडी जाएगी। ये अपने आप में दिखाता है कि हमने किसानों पर भी कोई बोझ नहीं पड़ने दिया। ये भी एक बहुत बड़ी राहत किसानों के लिए है। तो दूसरी ओर आम नागरिक के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कटौती करके लाभ दिया।